समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर ने जीवात्माओं के हित के लिए, कल्याण के लिए उनको अपना आनंद प्रदान करने के लिए, उनको सुख देने के लिए ये जो संसार बनाया है, इस संसार को योग दर्शन के व्यास भाष्य के अनुसार दुख बहुल कहा गया है। दुख बहुलो संसारः हेयः, ये छोड़ने योग्य है। तो जिस विद्वान योगी की ऐसी दृष्टि बन जाती है, उसको संसार दुख बहुल दिखाई देता है, वो फिर मुक्ति के लिए प्रयास करता है, उसके अंदर मुमुक्षुत्व उत्पन्न होता है। और जिसको संसार दुख बहुल नहीं दिखाई देता, सुख अधिक दिखाई देते हैं, दुख कम दिखाई देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर संसार में ही रहने का प्रयास करेगा, मोक्ष का प्रयास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीवात्मा सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। और सांख्य दर्शन के अंदर संसार को कहा गया है राग विराग योर योगः सृष्टि। इस संसार के अंदर राग और विराग, विराग का अर्थ किया है द्वेष, राग और द्वेष की प्रवृत्ति चलती रहती है। जब तक जीवात्माओं में राग द्वेष रहेगा, वो संसार के अंदर आती रहेगी और यह संसार चलता रहेगा। और सभी जीवात्माओं का एक साथ राग द्वेष छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये संसार अनादि काल से है, अनंत काल तक हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि सभी जीवात्माओं का राग द्वेष एक साथ छूटता नहीं है।